संकेत पाटिल जिन्होंने पिछले मैच में धमाकेदार गेंदबाजी की थी, अंपायर ऐलान करते हुए मुकाबला स्टार्ट करने का पहली गेंद के साथ दौड़ लगाते हुए और पहली गेंद पर LBW के जबरदस्त अपील करते हुए बॉलर विकेट कीपर, लेकिन उस अपील को नकारते हुए यहाँ पर हमारे काफ़ी मुस्तैदी के साथ अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए और नॉट आउट करा दिया। और पहली गेंद पर आगाज बेहतरीन तरीके से करते हुए, अपील में नहीं था दम और हमारे अंपायर नहीं है किसी से कम, कमाल की यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए। अगली गेंद बैक फुट पर ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, दो फील्डर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ और दो फील्डर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए और दो रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों और मनोज घोरलू जी उनकी तरफ से लगातार दो छक्के मारने पर ₹1,000 का पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। और इसी बीच दो रन दौड़कर पूरा करते हुए इसी के साथ खाता भी यहां पर खुलता हुआ, दो रन बल्ले से अच्छा शॉट था, वाइडिस लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई थी। और अगली गेंद एक बार फिर से गेंद को घुमा दिया है, देखना गेंद बाउंड्री की तरफ जा पाती यानी डीप इंटू विकेट की तरफ गेंद गई थी। और इसी बीच दौड़ का दो रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज का माल की रनिंग बिटवीन द विकेट। और दोस्तों जब नाइट का मुकाबला होता है और इस तरह की रनिंग बिटवीन देखने को मिलती है तो आसमान से जो भी ओस की बूंदे ठंडी ठंडी गिरती है वो काफ़ी गर्माहट में बदल जाती है। मनोज घोरपड़े जी हाईवेले ग्रुप उनकी तरफ से दो छक्के मारने पर ₹1,000 का पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। और हर मुकाबले में खिलाड़ियों के लिए पैसों की बरसात होती हुई और जो भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और बेहतरीन रिवर्स स्वीप मार दिया था, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए दौड़ 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 लगाते हुए और गेंद सीमा रेखा के मस्तक को दस्तक देते हुए 4 रनों के लिए। वक्त है खुशी का, वक्त है ब्रेक का, ओवर टू DJ। और यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर बताते हुए कि पीछे तालाब है तो प्लीज़ अपनी जान जो है जोखिम में मत डालिए, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया था लेकिन आपकी सुरक्षा जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इस टूर्नामेंट को एंजॉय कीजिए, खेलिए। और बहरहाल यहाँ पर चौके के साथ स्कोर भी उछलता हुआ, टोटल स्कोर 8 रन थी। और यहां पर अपील करते हुए LBW के देखना है अंपायर क्या ऐलान करते हैं, लेग बाई का ऐलान करते हुए दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए थर्ड मैन की तरफ इस गेंद को कलेक्ट किया था। ₹500 यहां पर आते हुए शौर्य पाटिल वाघवली वाड़ा उनके माध्यम से ₹500, यहां पर सूरज पाटिल छक्के के लिए ₹500 यहां पर दिए जाएंगे प्रोत्साहन अपनी अपनी टीम को यहां पर करते हुए। और इस गेंद डॉट गेंद आती हुई और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9 रन। वक्त है ब्रेक का, वक्त है म्यूजिक का, ओवर टू DJ। प्रतीक सुरते जी उनके लिए ₹500 हैं अगर वो शौर्य पाटिल वाघेवली वाड़ा उनके माध्यम से ₹500 छक्के मारने पर दिए जाएंगे। तो अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए यहां पर उनके सभी दर्शक आए हैं, किसी तरह से अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। और एक ओवर की समाप्ति के बाद नौ रन और एक अच्छी शुरुआत यहां पर देखने को मिलती हुई और निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी और ये एक काफ़ी अच्छी स्कोरिंग वाला मुकाबला हमें देखने को मिलता है। बल्ले की मांग करते हुए बैटर
नया बल्ला मंगाते हुए मैदान पर। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब बल्ला चेंज होता है तो माइंडसेट भी चेंज होता है और उसके साथ गेम भी चेंज होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज होता है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए चेंज होगा, ओवर टू डीजे। पहला रायगढ़ का नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, भव्य दिव्य टूर्नामेंट। और ये लंबी दौड़ लगाते हुए अगले गेंदबाज दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म गेंदबाज फुल टॉस गेंद और गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ और असीमित उछाल की वजह से इस गेंद को अच्छी यहां पर सेव किया। दो रन अपनी टीम के लिए बचाए, दो रन दौड़ कर पूरा करते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। असीमित मैदान की वजह से थोड़ी सी तकलीफ में दिखते हुए, लेकिन ये क्रिकेट का मजा है, क्रिकेट का आनंद है, जिसकी वजह से उन्हें इस चोट की कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं लगती होगी। और इसके साथ ही एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का यहां पर आगाज होता हुआ, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट पहला रायगढ़ का। और इसके बाद धीरे धीरे और नाइट क्रिकेट टूर्नामेंटों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। बहरहाल एक बार फिर से दूसरी गेंद लेकर आए तो गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद जाते हुए वाइड इस लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर उस गेंद को कलेक्ट किया, दूसरे रन की संभावनाओं को समाप्त करते हुए बल्लेबाजों के लिए। और इसी के साथ एक और रन का इजाफा, टोटल 12 रन। सुदर्शन पाटिल जी काफ़ी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभाते हुए 12 रन अभी तक बन चुके हैं। और हर विकेट पर दिनेश ठाकुर जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का पारितोषिक यहां पर दिया जाएगा। तो दोनों टीमों के लिए एक से एक सपोर्टर यहां पर आए हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाज हिट और बेहतरीन शॉट यहां पर। और इसी के साथ दौड़कर एक रन पूरा करते हुए अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छी क्रिकेट यहां पर देखने को मिलती हुई। और आप देखेंगे आसमान की ओर, भले ही चांद आसमान पर नहीं है, लेकिन यहां पर जो लाइट्स है वो इस मैदान की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हुए, ऑर्गेनाइजर्स का हौसला बढ़ाते हुए, आप देखेंगे मैदान के चारों ओर आप देख रहे होंगे जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये इस टूर्नामेंट की रीढ़ है, जिनकी वजह से सुबह लगभग 1 बजे के आसपास भी काफ़ी संख्या में दर्शक मैदान पर मौजूद हैं। विदेशों में सैटरडे नाइट पब और डिस्को में मनाया जाता है और हमारे रायगढ़ में सैटरडे नाइट मैदान पर मनाया जाता है। और यह बेहतरीन शॉट देखना हम पर कुछ ही पलों का ऐलान करेंगे। और इसी के साथ गेंद हाई 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 एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क। वक्त है खुशी का, वक्त है म्यूजिक का, ओवर टू डीजे। तो साहिबान मेहरबान कदरदान थूकदान पीकदान जिन्हें तमान सलमान खान शाहरुख खान इमरान खान बच्चा बूढ़ा जवान हिंदू सिख ईसाई मुसलमान जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। बच्चा लोग शॉट के लिए बजाओ ताली। वापसी करने का प्रयास, उसी दिशा में गेंद को मारने का प्रयास था। गेंद जाते हुए शॉट फाइनल की तरफ दौड़कर एक रन पूरा करते हुए, इसी के साथ स्कोर भी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 20 रन अभी तक बना चुके हैं। और अच्छी शुरुआत यहां पर करते हुए दूसरा ओवर चल रहा है और कमाल की बल्लेबाजी दोनों यहां पर ओपनर करते हुए स्वर्गीय नारायण सेठ मुंगा जी वागीवली वाड़ा, उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज अच्छी तरीके से भूमिका को निभाते हुए। लेफ्ट आर्म गेंदबाज अगली गेंद लेकर और यह बॉलर बैक ड्राइव मार दिया था, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ। और इसी के साथ ये अंपायर की उंगलियां आसमान की ओर और बल्लेबाज चले पवेलियन की ओर और हमारे डीजे चले म्यूजिक बजाने की ओर। ओवर
मारने पर और 500 रुपए का पुरस्कार यहां पर सौर्य पाटिल उनकी तरफ से वागी वली वाड़ा अपनी टीम के लिए दिया जाएगा। दो ओवर के बाद 21 रन और जिस तरह से ऊंची इमारत बनती है उसकी जो बुनियाद बनती है उसके बेस से इमारत बहुत ही मजबूत बनती है और उसी तरह की बुनियाद यहां पर दो ओवर के बाद 21 रन पर बनाई गई है। स्वर्गीय नारायण सेठ मुंगा जी वागी वली वाड़ा उनकी टीम की तरफ से अगेंस्ट RMS के दिनेश पवार मुरबी उनके टीम के अगेंस्ट में दो ओवर के बाद 21 रन। तीसरा ओवर काफी ओवर ये काफी धमाकेदार रहेगा। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी और एक बार फिर से गेंद को घुमा दिया। गेंद हाय 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 गेंद दर्शकों में हो गई मिक्स। अंपायर ने दे दिया सिक्स और गाना बजेगा रिमिक्स। ओवर टू डी उनके बल्ले से निकले उसमें 6 रनों का स्टैंप लग चुका था और एक मिसाइल की तरह जैसे रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और जैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं उसे मिसाइल लुमा छक्का यहां पर लगाते हुए अपनी टीम के लिए और एक अच्छे स्कोर की बुनियाद रखते हुए क्योंकि उन्हें पता है कि सामने की टीम दिनेश पवार मुरबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और ये दोनों बेहतरीन टीमें अपना अपना मुकाबला जीत कर अगले राउंड पर यहां पर खेलते हैं। एक बार फिर से गेंद को उड़ा दिया है और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास। इट्स अ ह्यूज सिक्स। वक्त है खुशी का, वक्त है डीजे का। ओवर टू डीजे। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आसमान से ठंडी ठंडी ओस की बूंदे जमीन पर गिरते हुए और आसमान से ये छक्का रूपी बॉल भी सीमा रेखा के बाहर गिरता हुआ, स्कोर भी उछलता हुआ। टोटल स्कोर इसी छक्के के साथ 33 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ और कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलते हुए आसमानी छक्के लगते हुए और इस ठंडक भरी रात में रनों से गर्मी का एहसास कराते हुए और बेहतरीन शॉट। व्हाइट इज लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा पार पार पार। अब होगी म्यूजिक की बहार। ओवर टू डीजे। मैं रनों की बरसात होते हुए एक बार फिर से गेंद हवा में, अंपायर अपना ऐलान करेंगे। कैच वहां पर छूटा लेकिन दौड़ का दो रन लूटा दोनों बल्ले वाले, उसने इंतजार कर रहे थे कि कब कैच छूटेगा मिस फील्ड के रूप में और यहां पर एक और रन जुड़ता हुआ। इसी के साथ टोटल स्कोर हमारे स्कोर जी बताएंगे 40 रन। तीसरा ओवर और 40 रन, क्या धमाकेदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलते हुए स्वर्गीय नारायण सेठ मुंगा जी वागी वली वाड़ा उनके बल्लेबाजों की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी और इस तरह की बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक आते हैं और यहां पर बिना टिकट के फुल क्रिकेट का मजा लेते हुए बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई और इसी के साथ दौड़कर एक और रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते दोनों बल्लेबाज रन चुराने का। इसी के साथ एक और रन का इजाफा टोटल स्कोर में होता हुआ और काफ़ी अच्छा ओवर अगर हम बात करें स्वर्गीय नारायण सेठ मुंगा जी वागी वली वाड़ा उनकी टीम की तरफ से आता हुआ और यहां पर इसी के साथ अच्छी वापसी अंतिम गेंद पर करते हुए टोटल 3 ओवर समाप्त, इनिंग समाप्त होती हुई 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर
41 और 42 रनों की जरूरत है आरएमएस के दिनेश पवार मुरबी उनकी टीम के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं I-11 डेरवली उनके सभी ऑर्गेनाइजर्स को और मेरे साथी कमेंटेटर आदरणीय काफ़ी प्रख्यात जिनों की जिनका कि पूरे रायगढ़ में डंका बसता है, हमारे अमित मात्रे जी, रोशन पाटिल जी तारा और हमारे संदेश पाटिल जी, आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इस दरमियान मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आगे का हाल हमारे संदेश पाटिल जी। डीजे I-11 आयोजित ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने स्पर्धा आजच्या दिवसातील अंतिम ठिकाणी येऊन पोचली आहे। आणि सर नक्कीच जे आयोजन आहे आणि त्या आयोजकाच्या संघाचं नाव आहे I-11। देवाची पूजा करून आई मिळवता येत नाही, परंतु आईची पूजा करून देव मात्र नक्की मिळवता येऊ शकतो। मरणासाठी अनेक मार्ग आहेत परंतु जन्माला येण्यासाठी एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे आई। आणि या आईच्या नावाने स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे। मित्रांनो, आई वडिलांवरती प्रेम करा, कारण आई वडिलांचं प्रेम हे शेवटपर्यंत तुमच्या सोबत असतं। मित्रांनो, कोणीही तुमचं चांगलं होईल असं वाट पाहणार नाही, परंतु आपले आई वडीलच असतात की ते नेहमी आपल्या मुलाचं चांगलं व्हावं हीच अपेक्षा त्यांच्या मनामध्ये असते। म्हणून आई वडिलांवरती नेहमी प्रेम करा, अगदी उतार वयामध्ये आई वडिलांची साथ कधी सोडू नका, नेहमी आई वडिलांच्या सोबत राहा। जसं लहानपणी आई वडिलांनी आपल्यावरती प्रेम केलंय, तसंच उतार वयामध्ये आपण आपल्या आई वडिलांवरती प्रेम करा आणि त्यांच्या शेवटच्या क्षणी त्यांच्या सोबतीला उभे राहा। एवढंच या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगतो आणि मॅचकडे जाऊया। 18 चेडूचा खेळ असेल, जिंकण्यासाठी मोठं आव्हान पार करायचं आहे। ते मोठं आव्हान पार करेल का या ठिकाणी मुरबी संघ हा प्रश्न जरूर असेल, कारण जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि धावसंख्या जमा करायची ती 42, आता मात्र समीकरण बदलेल, 17 चेंडू आणि 42 धावींची गरज। मोठी धावसंख्या उभी करायची आहे, वादली खेळी करावी। दरम्यानचा हा चेंडू यावेळेस मात्र सुरेख पद्धतीचा, पुन्हा एकदा चेंडू, आणखी एक चेंडू निर्धाव पाहायला मिळते। हा झेल खऱ्या अर्थाने टिपायला पाहिजे होता, कारण क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं पकडा झेल आणि जिंक हा क्रिकेटचा खेळ। आता मात्र खेळ बिघडला जाईल का, कारण हा ओमकार पाटील एक असा खेळाडू आहे की जो कुठल्याही क्षणी सामना आपल्या बाजूने झुकू शकतो। या प्रकारे मागच्या मॅचमध्ये ओमकार पाटील हा लवकर बाद झाला होता, परंतु या मॅचमध्ये मिळालेला जीवनदान त्याचा फायदा घेतला जाईल का, उंची जास्त आहे लांबी मिळाली जाईल का, यावेळेस मात्र चांगलं शत्ररक्षण जरूर पाहायला मिळालं।
प्रयत्न केले जात आहेत, कौतुक केले जात आहे त्या शतरक्षकाचं। काय अप्रतिम शतरक्षण मित्रांनो पाहायला मिळेल, तर जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे या शतरक्षकाच्या। भागेश सुरते शतरक्षक, अप्रतिम कामगिरी, मागचा मॅचचा सामनावीर किताब ज्यानं फटकवला होता तो भागेश सुरते यावेळेस चांगलं शतरक्षण करतोय। दोन धावा मिळत आहेत, धावपळकावरती दोन धावा लागतायत। यावेळेसा चेंडू हवेमध्ये, दोन दोन शतरक्षक चेंडू खाली आहेत, चांगली कॉलिंग होतीये। आणि मात्र ज्या ओमकार पाटील कडून अशा अपेक्षा होती त्या अशा अपेक्षावरती पाणी फेरलं जात आहे। आणि ओमकार पाटील आता मात्र पॅवेलियन मध्ये परततोय तो वैयक्तिक दोन धावा काढून। धन्यवाद डीजे मास्टर। अगदी अगदी आपण मध्यरात्री असं गीत वाजवलं की प्रत्येकाच्या अंगामध्ये एक ऊर्जा संचारते। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की महाराष्ट्रातील प्रत्येक मावळ्याच्या अंगामध्ये एक ऊर्जा संचारते। या महाराष्ट्रामध्ये राहायचं असेल, या भारत देशामध्ये राहायचं असेल, या हिंदुस्थानामध्ये राहायचं असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तुम्हाला सन्मानच करावा लागेल हे मात्र जरूर सांगेन। कारण छत्रपती शिवाजी महाराज आमची अस्मिता आहे। अगदी त्यांचे मावळे जर आपण पाहिले, दरम्यानचा हा चेंडू अप्रतिम चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो। यष्टीरक्षकाकडून थोडीशी चुकी पाहायला मिळाली, चांगला बॅकअप मिळालाय। निर्धाव चेंडू संपन्न होतोय, प्रेक्षकांचं सहकार्य सपोर्ट सिस्टीम आपण पाहतोय वाघिडीवाडा संघाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये। सूरज पाटीलचा हा चेंडू हवेमध्ये भिडकावलाय, आता मात्र संधी मिळत नाहीये, चेंडू जातोय आरपार सीमापार षटकार। धन्यवाद डीजे मास्टर। तर 12 चेंडू 34 धावांची गरज आहे, म्हणजे प्रति षटकामागे तुम्हाला 17 धावा जमा कराव्या लागतील। डीजे मास्तरांचं मी कौतुक केलं गेलं होतं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं गीत आपण त्या ठिकाणी वाजवलं, खऱ्या अर्थानं त्यामध्ये तानाजी मालुसरे यांचा उल्लेख केला गेला होता। कोण विसरेल तो कोंढाणा खेळला, की आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं, अशी छाती ठोकून सांगणारे आपले तानाजी मालुसरे। आणि त्यांचं गीत आपण ऐकवलं, खऱ्या अर्थानं निष्ठावंत मावळे होते तानाजी मालुसरे, बहिर्जी नाईक, नेताजी पाळकर, शिवा काशीत, असे निष्ठावंत मावळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सोबत होते। म्हणूनच आज आपण अभिमानाने या महाराष्ट्रामध्ये राहतो। आणखी एक गर्वाची गोष्ट, अभिमानाची गोष्ट म्हणजे स्वराज्याची राजधानी होती रायगड किल्ला, तो रायगड किल्ला आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये येतो। आणि खऱ्या अर्थानं मित्रांनो, तरुणपणामध्येच आपण किल्ल्यांची सैर करा, किल्ल्यावरती जा, किल्ले चढा, म्हातारपणी तुम्हाला देवस्थानं जरूर मिळतील। परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य, त्या काली कशा प्रकारे एवढ्या उंचीवरती किल्ल्यांची बांधणी केली असेल असं नक्कीच आपण विचार करायला लावणार। हा रायगड किल्ला आयुष्यामध्ये एकदा तरी त्या रायगड किल्ल्याची पायरी आपण चढावी, त्या ठिकाणी नतमस्तक व्हावं। षटकारासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। दरम्यानचा चेंडू हव्यामध्ये, शतरक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय, प्रयत्न चांगला होता, यश मात्र आले नाहीये, चेंडू जातोय सीमारेषेपार चौकार। विशाल ठाकूर आणि केशव ठाकूर यांच्या नक्कीच आमचे सुदर्शन सर आठवण करून देत आहेत। डीजे लिंब्या चांगलं गीत त्यांच्या दरम्यान, बॅटची कड लागली जाते, चांगलं शतरक्षण, अप्रतिम शतरक्षण पाहायला मिळतंय। लालचंद गावंड, जीवन गावंड चौकार गेला असता परंतु तो वाचवलाय। नेहमीच आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये जीवन गावंड सरांना पाहत असतो, परंतु आज खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळत आहेत।
चांगला खेळ पाहायला मिळाला. समीकरणाकडे जाऊया. 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 29 धावांची गरज. 10 चेंडू 29 धावा. थोडंसं टेन्शनचं वातावरण मुरबी संघाच्या खेळाडूंच्या डोक्यावरती घोंगावतंय. ते वातावरण धुडकावं लागेल. मोठे फटके जरूर मारावे लागतील परंतु निर्धाव चेंडू संपन्न होतोय. चांभारली संघाचा संघनायक आपण मंचाशी लगेच संपर्क साधा. नऊ चेंडू 29 धावांची गरज असताना यावेळेसचा चेंडू मोठा फटका जरूर मारला होता. उंची जास्त झाली, लांबी कमी झाली आणि फलंदाज होतोय बाद. आपण ज्या प्रकारे शिवगीत या ठिकाणी लावताय, आज मुरबी संघाच्या खेळाडूंना मी आठवण करून देत जाईन. ज्या प्रकारे बाजू प्रभू देशपांडेंनी पावनखिंड म्हणजे जी घोडखिंड लढवली होती, एकट्याने त्या ठिकाणी घोडखिंड अडवून ठेवली होती शेवटच्या क्षणी, तर तशा प्रकारची घोडखिंड लढवावी लागेल. तशा प्रकारचे मोठे फटके मारावे लागतील. समीकरण उरले 8 चेंडू आणि 29 धावांचं. समीकरण जरी मोठं वाटत असलं, आव्हान जरी मोठं वाटत असलं, तर त्याचा पाठलाग जरूर करावा. खेळी आठवावी ऋतुराज गायकवाड याची, ज्याने 6 चेंडू मध्ये 42 धावांची बहारदार खेळी केली. यावेळेसचा चेंडू अक्रॉस द लाईन. वारंवार चुक्या केल्या जात आहेत. अक्रॉस द लाईन भिडकवण्याचा प्रयत्न आणि निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पब्लिक क्राऊड पहा, प्रेक्षकांचा सपोर्ट पहा. स्वर्गवासी नारायण शेठ मुंगाजी वाघिवलीवाडे संघाला किती मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळतोय आणि प्रेक्षकांची साथच असते, प्रेक्षकांची दादच असते, जी नेहमी एका खेळाडूला सक्सेस ठरत असते, पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवत असते आणि तशाच प्रकारची साथ आज मिळते ती स्वर्गवासी नारायण शेठ मुंगाजी या संघाला. दरम्यानचा हा चेंडू पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका, कुठल्याही प्रकारे फुटवर्कचा वापर नाहीये. एकाच जागेवरून अक्रॉस द लाईन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न आणि निर्धाव चेंडू मात्र या ठिकाणी संपन्न होतात. षटक क्रमांक दुसरा संपन्न होईल. धावपळकावरती धावा लागल्या जात आहेत. त्या 13 म्हणजे इथून पुढे जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 29 धावांची गरज, म्हणजे 5 मोठे फटके मारावे लागतील जरा सामना मुरबी संघाला जिंकायचा असेल तर. मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आमचे बंटी दादा असतील, त्यानंतर आमच्या रवींद्रदा शेळके, त्यानंतर विजय बालाजी आणि सर्व सहकार्य. खऱ्या तर सर्वांची नावं घेणं या ठिकाणी शक्य नाही, परंतु सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. एक धाव मिळालीये. उर्वरित 5 चेंडू 28 धावांची गरज. पाच चेंडू 28 धावांची गरज हा निर्णायक चेंडू असेल खऱ्या अर्थाने या मॅचचा. हा मॅचचा हा निर्णायक चेंडू असेल. फुलर लाईन पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये भिडकावलाय. रिझल्ट येतोय 4 धावा. अजूनही सामना संपलेला नाहीये कारण 4 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. दरम्यानचा हा चेंडू हवेमध्ये आहे. झेल टिपला जाईल का? टिपला जातोय.
आणखी एक फलंदाज होतोय बाद. आता मात्र गोलंदाजाने जर चुकी केली नाहीये तर जरूर जरूर डीजे मास्टर एक मिनिट थांबायचं. इथून पुढे जर गोलंदाजाने चुकी केली नाही तर नक्कीच स्वर्गवासी नारायण शेट मुंगा ज्या सामना जिंकेल. वागळीवाडा संघाचे पाठी राखे किती एकदा जोरदार आवाज होऊन जाऊ द्या. नक्कीच फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पाठीराखे विनंती करतोय मी. या पुढचा सामना जरूर असेल चांभारली संघ ज्याने चांभारली संघाने सामने जिंकत खऱ्या अर्थानं आजच्या दिवसाच्या उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश केलाय. थोडीशी थंडी झटकावी सर्व खेळाडूने अगदी तरोताजा व्हावं आणि नक्कीच पुढच्या मॅच साठी तयार व्हावं. दरम्यानचा हा चेंडू सुरेख फटकापर्यंत पुन्हा एकदा यावेळेस चेंडू मात्र जास्त वेळ हवेमध्ये राहिलाय. वन बाउन्स चेंडू येते सीमारेषे पार चौकार. सर्व प्रेक्षक नक्कीच मुरबी संघाचे नाराज असतील. एक थोडासा खराब खेळ पाहायला मिळाला. आमचे मोंटी पाटे सुद्धा वरती बसलेत परंतु क्रिकेट हा खेळ आहे. आज तुमचा दिवस तर कधी अपोजिशन संघाचा दिवस. क्रिकेट हा खेळ आहे तो खेळी मिळणे खेळावा. हार झाली तरी तुम्हाला पुढच्या टुर्नामेंटला विजयाची संधी असते. नक्कीच स्वीकार करून अगदी आनंदाने खेळावा. दोन्ही संघाचं स्वागत करतो. गोड केला जातोय खऱ्या अर्थानं. हा शेवट गोड होतोय मुरबी संघासाठी. या षटकारणीशी जर विचार करायला गेलो तर केवळ 14 धावने हा सामना पराजित झालाय मुरबी संघ. तर आपले मनपूर्वक आभार आणि त्यानंतर वागवलीवाडा संघ आपला अभिनंदन. आणि पुढचा सामना खेळण्यासाठी आपण लगेचच या ठिकाणी टॉस करण्यासाठी मंचावरती यायचं आहे. आणि तत्पूर्वी आयोजक सर्व मित्रपरिवार तर आई 11 संघ डेरवली त्यानंतर आमचे सुदर्शन पाटील सर रोशन पाटील सर डीजे मास्तर या सर्वांचं आभार व्यक्त करतो. खऱ्या अर्थानं त्यांनी या ठिकाणी मला इन्व्हाइट केलं आणि इन्व्हाइट करून या ठिकाणी जी संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचं सुद्धा आभार व्यक्त करतो. आणि त्यानंतर आमचे संतोष महाराज पाटील बोर्लेगावचे बूथ अध्यक्ष ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिले त्यांचं स्वागत करतो. आणि आई 11 क्रिकेट संघ डेरवली आणि ग्रामस्थ मंडळ डेरवली आमचे पंच हिरामनजी भोसले सर द्वारकानाथ चोरगे सर अवी परब सर या सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतो. आणि या स्पर्धेतून आपली रजा घेतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. प्रवास मित्रांनो शांततेने करा. घरी जाताना सावकाश जा. आपली कोणतरी घरी वाट पाहत आहे याचा जरूर विचार करावा. आणि या ठिकाणी थांबतो. 24 लाईव्ह इव्हेंटचं सुद्धा मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो कारण आमचा आवाज घर बसल्या आपण सर्व प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवतायत. आपला सुद्धा आभार व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. ओव्हर टू रोशन पाटील सर. मॅन ऑफ द मॅच सूरज पाटील. रन मशीन स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी KDS स्पोर्ट्स वागीलवाडा. तर आपण यायचं आपला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारायचा. आणि दोन्ही टीमचे कॅप्टन राज 11 टाकेदेवी आई ग्रुप चांभारली विपक्ष स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी KDS वागीलवाडा या दोन संघांमध्ये नाणेफेकीचा कौल. सूरज मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी आपण स्वीकारण्यासाठी यायचा आहे. आजच्या रात्रीतला हा शेवटचा सामना आणि टॉप 4 कोण पोहोचणार याची उत्कंठा आता तुम्हाला सर्वांना लागली आहे. पुन्हा एकदा जे दोन संघ मागील काही स्पर्धांमध्ये बॅट पॅचमध्ये होते ते दोन संघ आता एकमेकांच्या सोबत या फायनल राऊंडमध्ये खेळतील आजच्या रात्रीमधल्या. वेल प्लेट सूरज. हार्डलक मुरबी टीम. तुम्हाला पुढच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा. टॉस इथे संपन्न होतोय. चालला टॉस या ठिकाणी संपन्न होतोय. सामना 3 षटकांचा असेल याची नोंद घ्या. आणि लगेच आपण टॉसकडे वळूया. सूरज पाटीलने केलेल्या विकेटच्या अगेन्स्ट धावा निर्णायक ठरल्या त्या मॅचमध्ये. टॉस संपन्न होतोय आणि टॉस लागलाय वागीलवाडा संघाच्या बाजूने. यस बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला शुभेच्छा. लगेच निर्णय घ्या प्लीज आणि मैदानात आबा घ्या. तर आजच्या रात्रीमध्ये ज्यांच्या सुमधुर आवाजाने आपण खरं तर आज समालोचन ऐकलं ते आमचे समालोचक मित्र युवा मोर्चा अध्यक्ष संदेशी पाटील
यांचा आपण इथे सन्मान घेत आहोत। मी सूरज शेळके यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा व्यासपीठावरती सन्मान घ्यायचा आहे। खूप खूप शुभेच्छा संदेश पाटील तुम्हाला तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी। आणि त्यानंतर आणखीन एक आवाज, गेले दोन रात्री त्यांचा आपण आवाज ऐकतो, आमचे मित्र समालोचक पेन तालुक्यातील नामवंत हिंदी समालोचक सिद्धू पाजे अमितजी म्हात्रे यांचाही आपण इथे सन्मान करूया। अमितजी म्हात्रे यांचा इथे सन्मान केला जाईल। अमितजी म्हात्रे डे नाईट शेड्यूल अगदी बिझी शेड्यूल आहे, परंतु अजूनही तीच एनर्जी यांची आपण पाहत आहे समालोचन डिपार्टमेंटमध्ये, आणि त्यांचा सन्मान आपण इथे करत आहोत। आणि त्यानंतर आमचे लोकेंद्र ओझा जे समालोचक आहेत, सूरजभाई लोकेंद्र ओझा यांचा आपण इथे सन्मान करूया। आपण आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये कोणतंही सनातन धर्मामध्ये कोणतंही कार्यक्रम आपण पहिला ब्राह्मण देवतांच्या शुभ असते मंत्रांच्याद्वारे करत असतो, आणि ते आमचे एक चांगले समालोचक लोकेंद्र ओझा यांचा सन्मान। जाऊया आपण मॅचच्याकडे। जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं, व्यासपीठावरती उपस्थित सर्व सन्मान्य पाहुण्यांचं, आई 11 डेरवली आयोजित